गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिस। पहले हम देखते हैं पेनक्रियाटिस से पहले हम पेनक्रियाज की एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये एनोगेटेड एंड टैपेट ऑर्गन है। ए पेल ग्रे ग्लैंड वेगिंग अबाउट 60 ग्राम एंड अबाउट 12 टू 15 सेमी लॉन्ग, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के एपिगस रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हेड 78 पार्ट्स, द विड्थ राइट पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम से अटैच है उस पार्ट्स को बोलते हैं, वो हेड होता है। बॉडी बीच में 11% वाला टेपर्ड लेफ्ट साइड एक्सटेंड स्लाइटली अपवर्ड लाइज बिहाइंड स्टोमक। ये बॉडी पार्ट्स है जो अप टू बिहाइंड स्टोमक से बीच में होता है। टेल नेरोड एंड पार्ट लाइज इन फ्रंट ऑफ द किडनी एंड जस्ट रीच द स्प्लीन। नेरोड एंड पार्ट ऑफ लाइज इन फ्रंट ऑफ द किडनी एंड जस्ट रीच द स्प्लीन। तो ये पार्ट्स है, पार्ट्स बॉडी एंड टेल। पेनक्रियाज के तीन भागों में बैठे हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं? एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। पहले लेते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहंस। इसलेट ऑफ लैंगरहंस जो कि टेल पार्ट्स है पेनक्रियाज का, वहाँ प्रेजेंट होती है। इन सेल्स का काम होता है, ये एसिनियल वहाँ पे जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और जो गामा सेल्स हैं उनको ये बनाती है। जैसे ग्लूकाकोन यानी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स जैसे कि इंसुलिन एंड गामा सेल्स यानी पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा सेल एस सोमोड। यह हुआ इसके एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन में क्या आता है? पेनक्रियाटिक जूस यानी जैसे ही बोलस जब कायम जैसे ड्यूडेनम में जैसे ही एंट्री करता है तो पेनक्रिया और गाल ब्लैडर में क्या स्टिमुलेशन करता है। इस कारण से जो गाल ब्लैडर में जो बाइल है वह गैस्ट्रिक जूस आता है और ये फूड को डाइजेशन करते हैं। तो पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है? ये एसिनर जो सेल्स होती है यानी एसिनर्स कौन सी जो पेनक्रियाज की बॉडी पार्ट्स में होती है, जो क्या होती है प्रेजेंट होती है बॉडी पार्ट्स में पेनक्रियाज के डक्ट ऑफ इरवेशंस में। ये क्या करती है? ये एंजाइम से कंसिस्ट करती है कौन सा? एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा है काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा गया है। ये जो पार्ट्स है टेल जहाँ पे क्या है पेनक्रियाटिक स्लेट जिसमें एल्फा बीटा ये एक्सोक्राइन एसिनेस जिसमें क्या होता है स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स। देन पार्ट्स ऑफ बॉडी एसिनर सेल्स सीक्रेट डाइजेशन एंजाइम जैसे कि मैंने बताया आपको एमाइलेज लाइपेज एंड काइमोट्रिप्सिन्स। ये है पेनक्रोडक्ट जो ड्यूडेनम में जैसे ही फूड या काइम बोलस ड्यूडेनम जाता है तो काइम में जो जैसे काइम बोलस होता है जैसे खाते हैं जब बोलस के बाद वो काइम में जो जैसे ही ड्यूडेनम में प्रवेश करता है तो वह एंट्री करता है। तो पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक और गाल ब्लैडर में स्टिमुलेशन करता है। स्टिमुलेशन करता है इस कारण से क्या है कि गाल ब्लैडर से बाइल या गैस्ट्रिक जूस आता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो कि प्रेजेंट है डाइजेशन एंजाइम्स के जस्ट ऊपर और बाइल डक्ट फ्रॉम गाल ब्लैडर जो कि पेनक्रियाज के जस्ट अबाउट जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ। देन स्पेंडिंग आर्टरी पेनक्रिया हाइमोसिस इंसुलिन ग्लूकोकोन जो कि इस एरो के साथ दिखाई गई है और पेनक्रियाटिक स्लेट्स। देन स्प्लेन अब एक्सोक्राइन सेल्स कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ लोबल्स मेड अप द स्मॉल एग्स विच कंसिस्ट सीक्रेटरी सेल्स। नेक्स्ट ईच लोबल इज ड्रेनेड बाय द टिनी डक्ट एंड दीज यूनिटी इवेंटुअली फ्रॉम द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट टू हेमेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। द ड्यूडेनम ओपनिंग द एम्पुला इज कंट्रोल बाय द हेपेटो पेनक्रियाटिक स्पेंटर ऑफ ड्यूडेनम पेपिला जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये है गार्ब्लेडर राइट टू लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स। देन म्यूकोसा विद फोल्ड्स सिस्टिक डक्ट्स
ड्यूडिनम जो कि अटैच है पेनक्रियास से, हेमेटोक्रेटिक एम्पुल एंड स्पिंटर मेजर ड्यूडिनम एपिपिला, पेनक्रियाज जेजुनम, जेजुनम मैन पेनक्रेटिक एंड स्पिंटर। द फंक्शन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इज टू प्रोड्यूस पेनक्रेटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स द डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट वाटर मिनरल्स एंजाइम्स एमाइलेज पेपिलेज इनएक्टिवेट एंजाइम्स प्रीक्यूसर्स इंक्लूडिंग ट्रिप्सोजन काइमोट्रिप्सोजन। फंक्शन क्या होते हैं इसमें, डाइजेस्टिव प्रोटीन फंक्शन, डाइजेस्ट प्रोटीन ट्रिप्सोजन एंड काइमोट्रिप्सिन आर इनएक्टिव एंजाइम्स डिसर्स एक्टिवेटेड बाय इंट्रोकाइनेज टू एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन विच कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड एंड ट्रिप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स। डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एमाइलेज कन्वर्ट टू पॉलीसेकेराइड्स स्टार्चेस टू डिसैचुरेट। डाइजेस्ट ऑफ फैट लाइपेज कन्वर्ट फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोरियोल टू एड द एक्शन ऑफ फैट वाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई फैट्स। कंट्रोल ऑफ सिक्रेशंस व्हेन द पार्शियली डाइजेस्ट कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्मोन्स सिक्रेशन कीलोसिस्टोनिन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल्स इन द वॉल्स ऑफ ड्यूडिनम एंड दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस। एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, कंसिस्ट द क्लस्टर ऑफ सेल्स नाउ एज द पेनक्रेटिक स्लेट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्लैंड दे आर डायरेक्टली सीक्रेट इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लाइकोजन, बीटा सेल्स सीक्रेट इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन स्टेटिन। फंक्शन ऑफ इंसुलिन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल सीक्रेशन इन स्टिमुलेशन बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एग्जाम्पल आफ्टर ईटिंग ए मील। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल सीक्रेशन इन स्टिमुलेशन बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड एक्सरसाइज दैट डिक्रीज बाय सोमेटोस्टेटिन इन इंसुलिन। फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोजन इन एडिशन इनहिबिटिंग द सीक्रेशन ऑफ जीएस फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी पैनक्रियाटाइटिस। अब जैसे कि इसमें ITS लग जाता है या TIS लग जाता है उसमें औसत उसको हमेशा ही मानते हैं कि इन्फ्लामेशन यानी किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन हुआ है। पेनक्रियाटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज यानी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना पेनक्रियाटिस कहलाता है। पेनक्रियाटिस इज कॉमनली डिस्क्राइब द ऑटो डाइजेशन ऑफ द पेनक्रियाज। एक तो है नॉर्मल पेनक्रियाज और एक है ये पेनक्रियाटिस कंडीशन यानी इन्फ्लामेशन हो गया पेनक्रियाज पे जिस कंडीशन में ये डायग्राम दिखाया गया है। ये दो प्रकार से होते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट हमेशा सडन ऑनसेट होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, 6 वीक से कम होते हैं, ये ट्रीटेबल होते हैं। क्रॉनिक क्या होते हैं, ग्रेजुअल ऑनसेट होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मोर देन 6 वीक्स ज़्यादा हो सकते हैं, इनवर्सिबल होते हैं और इन पे रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस। अगर एक्यूट पेनक्रियाटिस पे रिपीट अटैक होंगे तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लेके एक्यूट फर्स्ट लेते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन वेरियस फ्रॉम द मिड एडिमा सीवियर हेमरेजिक नेक्रोसिस इंसिडेंस। एक्यूट पेनक्रियाटिस मोस्ट कॉमन इन मिडल एज मैन एंड वुमेन इट इफेक्ट मेल एंड फीमेल इक्वली। इटियोलॉजी क्या क्या है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी में है आइडियोपैथिक यानी अननोन, दूसरा है एल्कोहल मोस्ट कॉमन कोज होता है एल्कोहल या इथोलॉल, दूसरा गाल स्टोन्स ट्रोमा स्टेरॉइड्स मम्स प्रेगनेंसी ऑटोमेन सेक्रोपियन स्टिंग हाइपरग्लाइसराइड्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया ERCP एंड ड्रग्स। इटियोलॉजी फैक्टर्स ग्लूकोन स्टोन एथिलोन ट्रोमा एक्टिवेशन क्या करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को ट्रिप्सोजन CK यानी सिस्टोकाइनेज जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एक्टिवेट जो प्रोटीन विच इज कोज ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज एंड एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटोटेलेटिक एंजाइम्स इलास्टेज एंड हेमरेज फॉस्फोलाइपेज फैट नेक्रोसिस। द पैथोजेनिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस रेंज फ्रॉम द एडिमेटस पेनक्रियाटिस विच इज द सेल्फ लिमिटिंग टू नेक्रोटिंग पेनक्रियाटाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीवियर एब्डोमेन पेन इज अ प्रोमिनेंट सिम्टम पेन लोकेटेड अपर क्वाड्रेंट एंड मिड एपिगैस्ट्रियम। ये इटियोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमन है कि जो पेन है
पेन है वो एपिगेस्टल रीजन में होता है। ये फैटी फूड खाने के कारण जो है पेन इंक्रीज इंसिटी होती है, जिसके कारण से पेन इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज हो जाता है बेंडिंग फॉरवर्ड द पेशेंट नी चेस्ट पोजिशन, यानी नी चेस्ट पोजिशन लेगा तो इस पेन को वो कम भी कर सकता है। सीवियर डीप पर्सिंग कंटिन्यूस स्टेडी नेचर, नोजिया वोमिटिंग्स, हाइपोटेंशन, क्रैक्स द प्रेजेंस ऑफ लोअर लंग्स, इलियस द मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ग्रेट टर्नर स्पॉट्स, ब्लूज फ्लैंक डिस्कलरेशन, टर्नर साइन इसको बोलते हैं, फ्लैक एरिया यानी लेटरल साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है कुलियन साइन, ए ब्लूज पेरी एम्बिलिकल एरिया, यानी पेरी एम्बिलिकल ब्लूज हो जाता है, जो कहते हैं कुलियन साइन। साइन सिम्टम ऑफ कंटिन्यू टैकीकार्डिया एंड जॉन्डिस, वोवल साउंड में भी डिक्रीज और एबसेंट, शोक में भी अराइज ड्यू टू हेमरेज, टॉक्सीमिया फॉर एक्टिवेट एंजाइम, हाइपोवोल्मिया एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लूइड शिफ्ट, क्रॉनिक पेनक्रियाटिस रहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पेनक्रियाज, सॉरी पेनक्रियाटिस। क्रॉनिक पेनक्रियाटिस इज अ कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी एंड फाइब्रोसिंग प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज, प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड एज इट प्लेस्ड विद द फाइब्रोटिक टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्सिफिकेशन में आल्सो अकर इन पेनक्रियाज, इटियोलॉजी हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, बाइल ट्रैक्ट डिजीज, गॉल स्टोन्स, सर्टेन मेडिकेशन, वायरल इन्फेक्शन, आइडियोपैथिक, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म मोस्ट कॉमन कॉज होता है, हेरिडिटी डिसऑर्डर यानी फैमिली अगर किसी को हुआ है तो ये दोबारा हो सकता है उसी को भी, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। पैथोफिजियोलॉजी, टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पेनक्रियाटिस एंड क्रॉनिक कैल्शियम पेनक्रियाटिस, टॉक्सिक अल्कोहल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एल्कोहल कोज एक्सेसिव, यानी एक्सेसिव एल्कोहल लेने के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन डक्ट है विद ए प्रोटीन प्रेसिटिव द प्रेसिपिटेस ब्लॉक ऑफ द पेनक्रेटिक डक्ट विच टॉपलोड बाई फाइब्रोसिस एंड ग्रेनुलर एट्रोपी, सूडोसिस्ट एंड एब्सेस कॉमनली डेवलप, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपर एब्डोमिनल पेन, लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग, ओली स्टूल्स यानी स्टोरिया, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इनएक्यूट पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाज इज ससेप्टिबल एंड बैक्टीरिया दैट कैन बी कॉज इन्फेक्शन, सूडोसिस्ट डेब्रिज एंड फ्लूइड दैट कैन बी कलेक्ट इन पॉकेट्स ऑफ पेनक्रियाज, इफ दिस सिस्ट लाइक पॉकेट रैप्चर, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग कैन रिजल्ट, डायबिटीज ड्यू टू डैमेज ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, पेनक्रियाटिक एब्सेस, कैविटी ऑफ पस विद इन द पेनक्रियाज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पुलुरल इफ्यूजन, एट्रेलेसिस, निमोनिया, सिस्टमेटिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, वैसोडायलेसिस, हाइपोटेंशन, कैपिलरी लीकेज, एडिमा, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, पुलमोनरी एम्बोलाई, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या कहते हैं, प्राइमरी टेस्ट सीरम एमएलएज, सीरम लाइपेज, यूरिन एमएलएज इंक्रीज अबाउट 200 UL, एलिवेटेड एंड एलिवेटेड, यानी एमएलएज स्लिप्स करते हैं अगर सीरम एमएलएज का जो बढ़ा हुआ है, अगर मार्क बढ़ा हुआ है। तो पेनक्रियाटिस भी बढ़ सकता है। ब्लड ग्लूकोज सेकेंडरी टेस्ट में ग्लूकोज देखते हैं, अगर ग्लूकोज इंक्रीज है, कंडीशन इंक्रीज तो नहीं है, सीरम कैल्शियम, सीरम ट्राइग्लिसराइड, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं इसमें, AUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल कंपोटेड टोमोग्राफी, स्कैनिंग, एंडोस्कोपी, रिट्रोग्रेड PRCP इसको बोलते हैं, कोलेंजियोपैनक्रियोटोग्राफी। मैनेजमेंट क्या करते हैं, कोलोबरेटिव केयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलोबरेटिव केयर ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस इंक्लूड रिलीफ ऑफ पेन, प्रिवेंशन ऑफ एलिवेशन ऑफ शॉक, रिडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक सीक्रेशन, कंट्रोल द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इन्फेक्शन, रिमूवल ऑफ द पेन पर्सिस्टिंग कॉज, कंजर्वेटिव थेरेपी, फोकस ऑफ सपोर्टिव केयर, डाइट, पेन मैनेजमेंट, मॉर्फिन एंटीस्पोडिक, करेक्शन ऑफ हाइपोवोल्मिया यूजिंग नॉर्मल स्लाइन, एनजी सॉल्यूशंस, सक्शन रिड्यूस वोमिटिंग, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, अल्कोहल कीप पेशेंट इन एनपीओ, नथिंग पर ओरल, ऑक्सीजन हाइपोक्सिन पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फार्माकोलॉजी थेरेपी, मॉर्फिन रिलीफ ऑफ पेन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड पेपावेरिन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड रिलीफ ऑफ पेन,
एंटीस्पास्मोडिक, डाइक्लोथायरोमाइन, प्रोपागैथालिन, डोमाइड, पेंथेलिन, डिक्रीज द फेबिन स्टिमुलेशन, मोटिलिटी, पेनक्रेटिक आउटफ्लो, कार्बोनिक एंडिसिन इन्हिबिटर यानी एसिटोजोलामाइड, रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम एंड बाइकार्बोनेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रेटिक सिक्रेशन, एंटासिड, न्यूट्रेशन, गैस्ट्रिक एड्रोस, हाइड्रोक्लोराइड, हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिटिनिडिन, रेनिटिडिन यानी रेंटेक, प्रोटीन पम्प इनहिबिटर्स, ओमिप्राजोल, डिक्रीज द एचसीएल, स्टिमुलेशन पेनक्रेटिक सिक्रेशन, कैल्शियम इफ हाइपोग्लाइसीमिया टेटिनी आकर देन प्रोफिलैक्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डाइट लो डाइट इन हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, पेनक्रेटिक एंजाइम सप्लीमेशन विद मील्स, करेक्ट मेलवॉर्ब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के एंड विटामिन बी ट्वेल्व, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड इन पेशेंट विद सीवियर फैट मेलवॉर्ब्जॉर्प्शन, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब द स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट द नीड फॉर डाइजेशन, सर्जिकल थेरेपी डन इन केस एब्सेस सीवियर पेरिटोनाइटिस, एक्यूट स्यूडोसिस्ट, ERCP प्लस एंडोस्कोपिक स्पिंट्रोक्मी परफॉर्म द रिमूव। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ स्यूडोसिस्ट यानी सिस्टो पेनक्रिया, सिस्टो गैस्ट्रोक्टोमी, पेनक्रिया जूस ड्रेनेज फ्रॉम स्यूडोसिस्ट, जैसे कि स्यूडोसिस्ट किया पेनक्रियाज को। नेक्स्ट इसमें लेते हैं कोलेडेक्टो जेजुनोस्टोमी यानी कॉमन बाइडक्ट इन एनास्टोमस कर दिया किससे, जेजुनोम से, वेयर इन द डायरेक्ट बाइल अराउंड ऑफ द एम्पल ऑफ वाटर। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट है पेनक्रियाटाइटिस का। देन इट कंप्लीट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।